नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और डॉक्टर मोहन यादव को प्रधानमंत्री दिखाया गया है। इस वायरल वीडियो में युवक बताते देखा जाता है कि संजय गांधी अस्पताल में यह पोस्टर लगा था, जिसमें गलती की वजह से ऐसा हुआ। पीएम मोदी को प्रधानमंत्री से डिमोशन कर मोहन यादव को प्रधानमंत्री बनाया गया है। दरअसल रीवा में कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा रीवा में कैंसर पीड़ितों के लिए अत्यधिक इंतजाम भी किए गए हैं, साथ ही जिला स्तर पर शिविर भी लगाए जा चुके हैं। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि रीवा में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो ताकि कैंसर पीड़ितों को कहीं और न भटकना पड़े। रीवा के साथ साथ पूरा बंद इस सुविधा का लाभ उठा सके। कैंसर जागरूकता के लगे इस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री दर्शाया गया, जबकि एमपी के कम डॉक्टर मोहन यादव को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। यहाँ पे संजय गांधी हॉस्पिटल आया हुआ था और यहाँ पे आके मैंने एक चीज देखा कि रातों रात हमारे जो नेता है थे उनकी पोस्ट बदल गई है। तो गाइस आप ये चेक कर सकते हैं, ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और इनकी पोस्ट क्या हो गई है, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। और ये हमारे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, इनकी पोस्ट क्या हो गई है, प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश। और माननीय राजेंद्र शुक्ला जी तो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन लोगों की पोस्ट बदल कैसे गई भाई, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है।